टू सितुस किचन। आइए आज मैं आपके साथ हमस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने व्हाइट चने 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रखे हैं। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए ये प्रेशर कुकर में रखूंगी। अभी चना प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं, उसमें पानी, वो चना डूब जाए इतना पानी। बाद में इसमें एक चम्मच नमक, वो स्वाद अनुसार आपको जैसा चाहिए ऐसा नमक डाल के इसको ढक्कन को बंद करना है। बाद में इसको 5-6 सीटी हो जाए ना, तब तक उसको बॉईल करना है, वो सॉफ्ट हो जाए। 5-6 सीटी होने के बाद आप देख लो कि सॉफ्ट हो गया है, तब आपका चना बॉईल रेडी हो जाए। बाद में उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देना है। ऑलरेडी हमारा चने बॉईल हो गए, देखो ऐसे चेक करना है, ये देखो सॉफ्ट हो गए। बाद में इसको एक ग्राइंडर का कप है उसमें 1 कप जैसा डाल के उसमें क्या क्या है देखो, ये ऑलिव ऑयल है, ये लहसुन की कड़ी है, ये ताइना है और ये कर्ड है और लेमन है और नमक है स्वाद अनुसार। इसमें ये चना थोड़ी देर रख कर ठंडा हो गया है, बाद में इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। तीन चम्मच ऑयल डाला, बाद में ये लहसुन की कड़ी है उसको कट करके डालेंगे तो ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दो स्पून दही है, दही एवोड कर सकते हैं आप, पर मैं डालती हूँ मुझे अच्छा लगता है। अब ये लेमन है, ये लेमन है। बाद में नमक कितना सब मिलाकर हमको ग्राइंडर में मिक्स कर देना है। पीस गया है, अब ये ताइना है वो 2 चम्मच उसमें डाल के वापस हम ग्राइंडर में पीस लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बाद में ये फिर से हम देखो ये हमारा हमस रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। ये बारीनी खबूस है, उसके साथ हम ये हमस साथ में खाते हैं। ये हमारा हमस रेडी हो गया है खाने के लिए। ये हमस 3-4 दिन तक हम खा सकते हैं। ये हमस जितना ठंडा हो फ्रिज में उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। आज बनाओ तो कल खाओ, ऐसे करो तो उसका टेस्ट अच्छे से पकड़ जाएगा और ये बारीनी खबूस के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अभी इसके साथ वो सलाद जो हम खाते हैं तबुला भाजी, तो तबुला भाजी का सलाद वो बगदुनस भाजी से बनता है, मैं उसकी रेसिपी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हम उसके साथ हम ये सलाद खाते हैं, ये सलाद तबुला सलाद बोलते हैं। इसमें ये चॉप ऑनियन,
लेमन और ये बगदुनंस का ये सीड जैसा है वो मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा है। ये ब्लैक पेपर है और ये नमक है और ये बगदुनंस भाजी है, उसको मैंने छोटा छोटा कट करके पानी में धोने के लिए रखी है। इसमें से पानी से निकाल के ये चॉप ऑनियन है ना, एक बड़े वाली एक ऑनियन ली है, उसमें भाजी की एक पनी इसे पानी निकाल के इसमें रखना है। इसमें पूरा एक लेमन, स्वाद अनुसार और ब्लैक पेपर, और ये सीड से उसमें से पानी निकाल के इसको रखना है। ऐसे सब मिक्स करके ऑनियन भाजी और ये सीड से उसको बगदुनस बोलते हैं। अब हमारा रेडी हो गया सलाद, अब सर्विंग प्लेट में हम निकाल देते हैं। यह हमुस के साथ बहुत अच्छी लगती है। यह हमारा सलाद रेडी हो गया है। हम हमुस के साथ ये सलाद भाजी उसको बगदुनस तबुला बोलते हैं, तबुला सलाद और ऑनियन और लहसुन की पेस्ट और एक सलाद और भी खाते हैं, वो रेसिपी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। वो टमाटर और लहसुन की चटनी, वो टमाटर को हम ऐसे स्टोव पे रख के करते हैं, वो टमाटर और लहसुन की चटनी जैसा ठीक होता है सलाद, वो मैं आपको बाद में उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये सब ये हमारा पूरा मेन्यू रेडी हो गया है। ये बारिनी कबूस, हमूस और सलाद, ये तीनों साथ में खाएंगे और उसके साथ ड्रिंक। हेलो एवरीवन, प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और कमेंट में लिखना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो आप जरूर बनाना। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज 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 जरूर करना। ओके बाय।